यही है वो लड़की जिसे मैं 200 साल से ढूंढ रहा था। यही है वो लड़का मेरे आका क्या हुआ मेरे आका जहां जाते ही मुझे और पूरी कायनात को जन्नत का एहसास होता है मेरे आका। और आप उस सरप्रस्त जमीन से पधारे हैं मेरे आका, जिसकी बेशुमार जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है मेरे आका, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर हिंदुस्तान में कहीं जन्नत की है तो वह है कश्मीर। जो लोग खाने के शौकीन है तो फूड कॉर्नर यहाँ पे है, वो दिखाने उसको भी दिखाते हैं शॉर्ट वीडियो उसका, देखते हैं कि फूड कॉर्नर में क्या क्या चीज़ें खाने को यहाँ पे मिलती है। और इस तरह से आप ये दुकानें देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल का ये मेला है, उच्च कोटि का मेला है, बहुत शानदार मेला है। मेरे का आयोजन बहुत अच्छे तरीके से और अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पे आइसक्रीम्स और अन्य जो व्यंजन हैं यहाँ पे परोसे जा रहे हैं, फास्ट फूड यहाँ पे है, चटपटी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, जूस चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको, आप हर एक चीज़ का इस मेले में आनंद ले सकते हैं। कभी नेक्स्ट टाइम आप आना चाहे, अभी तो आज तो शायद जो दूर दराज के लोग हैं यहाँ पे आने आना उनके लिए थोड़ा सा संभव नहीं होगा, जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो नेक्स्ट टाइम सिंजौर मेले में जरूर आइएगा। यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, गोलगप्पे और पापड़ी भी यहाँ पे उपलब्ध है, तो इसको भी देख सकते हैं। किस तरह का काम है, बढ़िया अच्छा है। आज मेले का अंतिम दिन है, आखिरी दिन है आज मेले का, बहुत भीड़ रहने वाली है 4 बजे के बाद, है ना। कैसा लगा आपको, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली से आए आप, फिर यही भी चीज़ बनाई है, बहुत बढ़िया। ये सारा स्टॉल लगा है, ये पूरा सेटअप, लोग दिल्ली से यहाँ पे आए हैं। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम आइएगा तो ज़रूर इस मेले में ज़रूर आइएगा, और ये मेला शानदार मेला है। ठंडे टाइप भी हम पतले पतले बन रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो डिशेज जो यहाँ पे फास्ट फूड, चाउमीन, मोमोज और स्टीम रोल लाइक ब्रेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और जो लोग शौकीन हैं सैंडविच, बर्गर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मक्की देखिए, मक्की का सब ये अलग अलग पॉपकॉर्न तो नहीं पर जैसे आप बना सकते हैं। लिखा है अपनों राजस्थान रेस्टोरेंट, ये रहा राजस्थान डिश। यहाँ पे क्या क्या रहता है सर आपके पास, क्या क्या रहता है आपके पास? कचौरी है, कचौरी है, मावा कचौरी, मूंग दाल कचौरी, आलू प्याज कचौरी, मूंग दाल के पकौड़े, लड्डू चूरमे का, हलवा मूंग दाल का, चूरमा दाल बाटी चूरमा। ये क्या स्पेशल राजस्थान डिश है? हाँ। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं? हाँ। ठाकुर साहब की भूमि से आप बिलोंग करते हैं, कैसा अनुभव है आपका यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे मेले के बारे में? अच्छा है, अच्छा है। क्या नाम है आपका? नाम सुनील है। सुनील है, आप राजस्थान से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील राजस्थान से बयां कर रहे हैं, आप जलेबियाँ देख सकते हैं, जलेबी है ना ये, तो इतनी मोटी मोटी जलेबी का क्या राज है? हरियाणा का स्पेशल, मतदा मथुरा की जलेबी, शुद्ध घी में
जलेबी बना रहे हैं, क्वालिटी टेस्ट की है, क्वालिटी है वन, ऐसी जलेबी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। दर्शकों आप देख सकते हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि हरियाणा हरियाणा तो मारो, हरियाणा तो बड़ा फेमस है, टेस्ट नहीं है तो कोई पैसा नहीं। हरियाणा दो चीज में बड़ा फेमस है, खान पान में बड़ा फेमस है, कबड्डी में बड़ा फेमस है, क्या कहेंगे आप? हरियाणा के ले आओ मेडल जीतने ले आओ सारे। मैं भी सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, हिमाचल से। अब शिमला किसे आए हम एक महीना शिमला माल रोड पे। बहुत बढ़िया, नाम क्या आपका? किल्लू। कैसा लग रहा है इस मेले में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों का हमारी जलेबी का भी सभी से इंतजार रहता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए गजब की जलेबी, और इस तरह से जलेबी बन रही है, और क्या आपके मुंह में जरूर पानी आ रहा होगा, तो आप जरूर अपना जो आपका जो खाने की जो लालसा है उसको बुझाने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, मेले में आ सकते हैं। अगर इस बार नहीं आ पाए तो अगली बार जरूर आइएगा और शुद्ध देसी की जलेबी का आनंद ले सकते हैं। ये आइसक्रीम आप देख सकते हैं, स्टॉल्स लगे हैं कालका, ये कुछ डिश आप यहाँ पे देख सकते हैं, परोसी गई है। इक्वल कोल इसको जानने का प्रयास करेंगे, ये क्या यहाँ पे लिखा है, लिट्टी चटना लिट्टी चोखा, इस तरह का डिश यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं फोटो में मोदी जी भी इसका सेवन कर रहे हैं। आप भी यहाँ आके इसका आनंद ले सकते हैं। ये गोल गोल अनाज के बने होते हैं, इसको चटनी है इसके साथ खाना होता है, लिट्टी चोखा ये ले सकते हैं, टू पीस लिट्टी चटनी, तो लिट्टी चटनी के साथ ही खाए जाते हैं। ये नई डिश जो है आपको, आपको ये नई डिश कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। जूसीस यहाँ पे है, यहाँ पॉपकॉर्न का स्टॉल लगा है, पॉपकॉर्न अंकल द्वारा यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, और ये फ्राइड राइस और राइस में कुछ चिकन वगैरह मिक्स करके जो लोग इसके शौकीन है, तो ये भी आप आनंद, इस तरह की डिश का भी आप आनंद ले सकते हैं। और सभी प्रकार के डिशेज यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे बच्चे भी सेवन करते हुए जैसे हमने देखा था, यहाँ बर्गर बर्गर का आनंद भी ले सकते हैं आप। और यहाँ दाल चावल का आनंद ले सकते हैं, तंदूरी रोटी दाल चावल जैसा एक आपको आनंद मिलता है, बिल्कुल आनंद ले सकते हैं आप। हर तरह की फैसिलिटी मेले में रहने वाली है, तो आप बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। इनके पास आइसक्रीम यहाँ पे है, पांच पिज्जा, आपका पिज्जा है, ओके पिज्जा भेजते आप। तो किस तरह का क्राउड लोगों का रहता है और किस तरह की डिमांड आपके पास रहती है? एक्चुअली हमारा ब्रांड है पिज़्ज़ा हट ब्रांड है, बिल्कुल पिज़्ज़ा हट ब्रांड का ऑर्डर है, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉल लगा उसका। तो कल मेला था, कल भी आपने बेचा, कितना बेचा? काफ़ी बिका, ठीक था सर, ठीक था। और आज भी क्राउड ज़्यादा रहने की उम्मीद है? आज भी आ रहा है सर क्राउड ना, अच्छी सेल हो रही है। आपका नाम क्या है? अमित नाम है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए मेले के बारे में? बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, आओ एंजॉय करो, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू सो मच। ये थे अमित जी, इन्होंने कहा कि मेले में आइए, मेले का आनंद लीजिए, चीज़ें जो खाने के बाद आप ले सकते हैं, जिससे आपका माउथ फ्रेश रहता है। ये पान भी यहाँ पे, पान भी, पान जिस स्पेशल पान भाई साहब से चर्चा करेंगे, यहाँ फायर पान, मीठा पान और स्ट्रॉबेरी पान, अलग अलग पान की वैरायटी है। और भाई साहब कहाँ से आए इसके बारे में इनसे वार्तालाप। वाह वाह वाह, क्या बात है, आपका बोलने का अंदाज बहुत गजब है। एक दिन है तो ये देखो, ये देखिए, कहाँ के रहने वाले आप भैया? यूपी सहारनपुर जिला, एड्रेस है नवाब किला। गजब गजब, कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा क्राउड है लोगों का, कैसे पान, कैसे लोग यहाँ पे फेम बिक रहा है, कैसे चाहते लोग? बहुत अच्छा है, क्या कहना चाहिए मेले के बारे में? बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है। आपका पान भी बहुत अच्छा है मेले की तरह, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसको ये जो डिश का स्टॉल था, वहाँ खाने पीने का जो स्टॉल था, जो लोग फोटोग्राफियाँ करना चाहते हैं रामलाल डिजिटल फोटोग्राफी, यहाँ पे इसकी पूरी सुविधा है, किसी चीज़ का
मुझे लगता है कोई कमी नहीं है। और डांस इस तरह के नृत्य आप देख सकते हैं, लोगों के नृत्य है ये। शुरुआती दौर पे आपने गेट में भी देखा होगा पगड़ी जिस तरह की उन्होंने पहनी है, वहाँ उन्होंने नृत्य किया था लोगों ने, और लोग पूरा एंजॉय करते हुए नृत्य करते हुए झूमते हुए एंजॉयमेंट रहता है, सेलिब्रेशन रहता है मेले का। बैंड को बजा रहे हैं और मेले में चार चांद लगा रहे हैं और लोग भी खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नृत्य करते हुए। इस तरह से नृत्य रहता है, आप इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, मेले का भरपूर आनंद ले सकते हैं। कंपटीशन एक है, आपको मेला कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं।